ये प्रोसेस जो है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। आप मुझे बताएं, इंसान को जिंदा रहने के लिए फूड चाहिए? यस सर। अच्छा, अगर आप 2 हफ्ते खाना पीना ना खाएं तो क्या होगा? वीक हो जाएंगे। चले महीना नहीं खाना खाते फिर क्या होगा? ओके, 2 महीने नहीं खाते फिर डेथ हो जाएगी आपकी, बहुत हो जाएंगे। राइट, क्यों बहुत क्यों हो जाएंगे? 2 महीने खाना पीना नहीं तो बहुत हो जाएंगे, क्यों जी? बॉडी को उसकी रिक्वायरमेंट के लिए फूड चाहिए थी, वो नहीं जी, तो आप पूछ कर जाएंगे। राइट, इंसान की बॉडी के 2 हिस्से हैं, फिजिकल बॉडी एंड मेंटल बॉडी। फिजिकल बॉडी को आप फूड देते हैं वो ग्रो भी कर रही है, मेंटल बॉडी को भी एक बकेट में देते हैं। अब अगर आप फिजिकल बॉडी को फूड नहीं देते तो आप कहते हैं कि फिजिकली आपकी डेथ हो जाती है। तो मुझे यह बताएं कि अगर आप माइंड को फूड नहीं देंगे 1 साल 2 साल तो फिर क्या होगा आपके माइंड के साथ? जी, मेंटली यू आर डेड देन। और ऐसा होता है, आप देखें, आपकी उम्र कितनी है अभी बच्चे? अभी सब 12 टीवी देखते हैं आप? ओके, इस साल के जितने भी बच्चे हैं इस एज के, 7-8 साल से लेकर 12-13 साल के बच्चे जिनके घरों में भी हैं, आप देख लें टीवी का रिमोट आपसे बेहतर आपका बच्चा यूज करता है कि नहीं? आपको नहीं पता कि इनसे फंक्शंस क्या, आपके बच्चे को पता होते हैं। आप फोन लेके आते हैं, बड़ा कीमती बड़ा जबरदस्त फोन, क्या आप उसके सारे फंक्शन का पता होता है? आपसे बेहतर आपके बच्चे को पता होता है कि नहीं पता होता? क्यों? दिमाग आपका बड़ा है, मैच्योर, आप मैच्योर, आप ज्यादा है, तजर्बा जिंदगी में आपका ज्यादा है, पढ़े लिखे भी आप ज्यादा है, डिग्री आपके पास बड़ी है, फिर बच्चा आपसे बेहतर उसे ऑपरेट कैसे करता है? यूज आप ज्यादा करते हैं, यूज भी आप ज्यादा करते हैं, मजे की बात है कि यूज भी आप ज्यादा करते हैं। नहीं, फोन का यूज आप ज्यादा करते हैं, बच्चे को सीखने का शौक ज्यादा, वो शौक भी नहीं, वो सीखने के प्रोसेस में होता है, उसका ज़हन डेड नहीं हुआ होता, क्योंकि ज़हन जिंदा होता है। आप तो सोचते रहते हैं कि ये बटन इस काम के लिए फौरन स्टोर कर लेता है, ये इस काम के लिए, ये चेंज करने के लिए, वो साथ स्टोर कर रहा है। आपके दिमाग को पहले लगता है जंग, उसमें जंग लगता है आपको, फिर आपको जो चीज बच्चा एक दफा में याद करता है उसे आपको 10-12 दफा में याद होती है, फिर आप कहते हो नहीं मेरे बस निकाल दिए। बच्चे से आप कहते हैं कि भाई याद है नंबर फीड कर दे, अच्छा बच्चा नंबर फीड करना कहता है, फिर आप बच्चे से कहते हैं कि और कितों को देना, और कितों तो ऑफ कितों है, उसके बाद हम अपने माइंड को बिल्कुल अगला स्टेप रोक देते हैं। फिर 1 साल के बाद ये होता है कि आपका माइंड जिसे जंग लगा था वो क्या होता है? डेड हो जाता है। इसीलिए मेरे दोस्त कहते हैं कि हम में से अक्सर लोग 25-30 साल की उम्र में फौत हो जाते हैं, सिर्फ उन्हें दफनाया 17 साल की उम्र में जाता है, क्योंकि एक्चुअली तो यहाँ पर है ना आपका सारा कुछ, जब आप यहाँ से बाहर होके तो डेड है आप, तो चलती फिरती डेड बॉडीज है। तो काइंडली अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए।